માં કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ વરસાદથી ગત રોજે સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા સ્થિતિ કફોડી થઈ હતી। ત્યારે પાલ આટીઓ વિસ્તારમાં વીજળી પડતા એક યુવકનું મોત નિપજ્યું હતું। પર પ્રાંતીય શ્રમિક યુવકના મોતને લઈને ત્રણ સંતાનોએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવવાની નોબત આવી હતી। પાલ આટીઓ વિસ્તારમાં રહેતા શ્રીરામ સાની મજૂરી કામ કરીને પત્ની સહિત ત્રણ સંતાનોનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। વરસાદ હોવાથી તેઓ કામ પર ન ગયા હતા। આ દરમિયાન વીજળીના કડાકા ભડાકા થતા તે ઘરની બહાર નીકળ્યો હતો। આ દરમિયાન જ તેના પર અચાનક વીજળી પડી હતી, જેથી તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम साहनी। मृत्यु का क्या नाम? उनका श्रीओम साहनी। कहाँ के रहने वाला हो? कितने साल का है? यूपी का रहने वाला हूँ। वो भाई कहाँ के रहने वाला हो? कितने साल का है वो? यूपी का रहने वाला है। उसका उम्र लगभग 34-35 साल था। क्या हुआ कल उसके? कल इतना बारिश था, हम लोग झाले में बैठा था और बारिश में वो पांव धो रहा था। वो पत्र ताल पत्र से पानी गिरा था, पांव धो रहा था, तभी इतना जोर से बिजली गिरी। वही उसको लगा बिजली, हमारे सामने गिर तो मारा, मेरे को भी थोड़ा हल्का लगा, पाँव में बाल जल गया। उसके बाद हम लोग देखा, उसे थोड़ा आँख ऐसा किया, तुरंत उधर लगा दुखी। कितने बजे की घटना है? वही लगभग 3:30 बजे, 3:30 बजे सर। उसके बाद हम लोग उधर से बाजू मंदिर, हम लोग उठा मंदिर पे लाया, एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आया, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इधर लेकर आए। यहाँ आने के बाद क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर उसको चेक किया, बोला कि इसका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया है। क्या काम करता था वहाँ पे? रेती का काम करने आया था हम लोग। अभी काम कतरा अठारह लोग से बैठा था, अभी काम नहीं किए थे, अभी काम ही चालू नहीं था हम लोग का। कौन कौन है इसके घर में? इसके घर में इसकी दो लड़की है, एक लड़का है, उसकी बीवी है। ये कमाने वाला अकेला था? अकेला था सर। इसके घर में कोई कमाने वाला? कोई कमाने वाला नहीं सर। क्या चाहते? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कुछ उसके परिवार में कुछ मुआवजा मिले। उसका छोटा छोटा बीवी बच्चा है, बहुत गरीब आदमी है सर।